तंतथा कृपयाविष्टम सुपुड़ा कुलेच्छडम विशीदंतमिद वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कृतस्वा कस्मलमिंद विस्मे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वयं कृते कर्म अर्जुनम। अर्थात भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को करने वाला ही है। क्लैव्यमास्म गमः पार्थ नैत्ययुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बलम त्वकेतोच्छ परंतम। अर्थात हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कंठ विस्मह संखये द्रोण च मधुसूदन इच्छु भी प्रत्योस्यामी पूजा हरवा वरिषूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा ही महानुभावा चयोच्छ्रियो भक्तु भीष्म पिहलोके हत्वार्थ कामस्तु भुजीय गुरु नहीं वे भोगानुधीर प्रदिग्धान। अर्थात इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। न चैत्य दिघ्न कतरन्नो गरियो यद्धा जमेय यदि वा न जेयु यानेव हत्वा न जीविषाम अस्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्मण्य दोषे पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसमूलचेता यच्छेय स्वात्री चित्त गृही तन्मे शिष्यते तसादि मात्वा प्रपन्नम्। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममानुद्धार गच्छो कमुच्छो मणिमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा उषपन्न मुद्ध राज्यशुरामपि चाधिपत्यम। अर्थात क्योंकि भूमि से निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एवं मुक्तवा हसी केशः गुडा केशः परंतम न यतस्य इति गोविंद मुक्तवा तुष्णी भवुवः। अर्थात संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हसी केशः प्रहसन्निवहारत सेनयोरुभयो मर्धय विसीदन्तमिद वचः। अर्थात हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले।